माल रखिया साडे विच केड़ा है कमाल रखिया रब दियां रहमतां संभाल रखिया साडे विच कोई नहीं कमाल रखिया रब दियां रहमतां संभाल रखिया सारे ओदे दारे उते इंजे रखिए सारे ओदे दारे उते इंजे रखिए जिमें नबी पाक दे बिलाल रखिया जिमें नबी पाक दे बिलाल रखिया रब दियां रहमतां संभाल रखिया रोंदे रे उम्मत लई रबे अगे ओ रोंदे रे उम्मत लई रबे अगे ओ किन्ना साडा सोने ने ख्याल रखिया रब दियां रहमतां संभाल रखिया साडे विच कोई नहीं कमाल रखिया रब दियां रहमतां संभाल रखिया मुख्तसर हमदो सना और दुरूदो सलाम दे बाद मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों मैं अपने मालिक व खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन दा इंतहाई ज़्यादा शुक्र गुजार हाँ कि जिस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने अपनी तौफीक ख़ास नल मैं ना चीज़ इंसान नूं वादा वफा करन दी तौफीक अता फरमाई और अपने उन अहबाब का भी शुक्र गुजार हाँ जिन्होंने कुरान और सुन्नत दियाँ बातें सुनन सुनाने वास्ते हाजिरी का मौका दिता है। मेरी मुराद मुहतरम भाई कारी जफर साहब हफीज़हुल्लाह तुसी जितने अहबाब अल्लाह ताला दी रज़ा और रहमत वास्ते अल्लाह दे घर तशरीफ ले आयो इस मस्जिद दी मरकज़ दी इंतजामिया मुआमिनीन मुंताज़िमीन अल्लाह ताला तमाम दी आमद मोहब्बत अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमा लै अहबाब जी वकार दुनिया दा हर बंदा ये चाहता है कि मेरी आखरत बेहतर बन जाए और अल्लाह ताला मैनू जन्नत अता फरमा दे। कल्ला मुसलमान नहीं सिखां दा भी यही ज़हन है कि मरण तो बाद सानू बहिश्त लब जाए। हिंदू भी ये चाहते हैं कि मरने तो बाद सानू स्वर्ग मिल जाए और अहले ईमान की भी यही ख्वाहिश है कि मरण तो बाद अल्लाह ताला सानू जन्नत अता फरमा दे। असी हज करने हैं रोज़ा रखने हैं ज़कात देने हैं नमाज पढ़ने हैं कोई भी अमल करने हैं उदे पिछे साड़ी मेन जो ख्वाहिश और तमन्ना है वो यही है कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए तो अल्लाह जन्नत का मेहमान बना दे। सियाल मोड़ दे इलाके नाल ताल्लुक रखने वाले हो गिरदो नवा तो कुरान और सुन्नत की बात को समाप्त करने वास्ते तुसी जितने अहबाब तशरीफ ले आए हो आज दी मुख्तसर जी इस गुफ्तगू नूं इंतहाई तवज्जो नाल समात फरमा लो। अल्लाह ताला दी जन्नत हासिल करन वास्ते अल्लाह ताला ने मैनू और तुहानू दो कम्मां दा हुक्म दिता है। अल्लाह कहिंदे ने दो कम तुसी करने ने ते जन्नत मैं तुहाडे वास्ते ही बनाई मगर ये दो कम जरूर करने और दोनों काम लाजिमो मलजूम ने ये नहीं भी एक कर लिया तो जन्नत मिल जाएगी नहीं दोनों करने पैणगे एक ईमान तो दूसरा अमल। सब तो पहले ईमान ले आओ अल्लाह की वहदानियत ते ईमान ले आओ अल्लाह के नबियां ते ईमान ले आओ क़यामत के दिन ते ईमान ले आओ अल्लाह दियां नाज़िल करदा किताबां ते ईमान ले आओ फरिश्तियां ते ईमान ले आओ अपनी तकदीर ते ईमान ले आओ
ایمان لے کے آؤ سب تو پہلے تے پھر ایمان لے آن تو بعد عمل کر کے وخاؤ تے جنت میں تہاڈے واسطے بنائی. آؤ ذرا جنت ملے گی مگر کیسے؟ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو نا تے پھر جنت لینی ہے تے اللہ دے قرآن تے غور کرو جنت کنہاں لوگاں نوں ملنی. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرما دینے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک پہ قرآن نازل فرمایا. اللہ فرما دینے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا فرمایا خوشخبریوں نہ لوگاں واسطے مبارک باپ دے مستحق او لوگ نے بشارتاں او نہ لوگاں واسطے آمنو جڑے ایمان لے کے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور پھر عمل کر کے وخایا اعمال صالح کرنے والے اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگاں واسطے جنت تیار کیتی ہے. جنت دیاں خوشخبریاں اہل ایمان واسطے نے. جنت دیاں خوشخبریاں اعمال کرنے والیاں واسطے اچھے اعمال نیک اعمال اعمال صالح کرنے والیاں واسطے. اللہ تعالیٰ نے جنت دی بشارت بیان کیتی ہے اور کیڑی جنت دی بشارت بیان کیتی ہے جدے تھلوں اللہ تعالیٰ نے دودھ اور شہد دیاں نہراں چلا دیتیاں نے. ایسا باغ ایسی جنت اللہ اکبر جدے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتاں دے انبار لا چھڈے نے. دنیا دیاں نعمتاں ویکھ کے دنیا دیاں اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں ویکھ کے اے نعمتاں کھان پین والیاں ویکھن والیاں چیزاں ویکھ کے اسیں حیران ہو جانے ہاں تعجب اندر آ جانے ہاں. اللہ اکبر یار ایڈیاں خوبصورت اتنیاں لذیذ اور انیاں پیاریاں پیاریاں اللہ دیاں نعمتاں حضرات محترم جنت دیاں نعمتاں دے سامنے اے نعمتاں کچھ بھی نہیں نے جڑیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندیاں نوں اپنے پیاریاں نوں جنت دے اندر عطا کرنیاں نے. اللہ اکبر جنت دا مندر ہی کمال دا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ جنہاں خوش نصیباں نوں جنت عطا کرن گے اللہ اکبر او بڑے پیارے اور خوبصورت مندر جنت دے اندر ویکھن گے. اللہ اکبر جان دیو کتنی خوبصورت جنت ہے. او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیبہ والے سبحان اللہ برتن. او جنت جی دے وچ زمردی زمینہ زمینہ تے بچھیاں سبز رنگ کلینہ کلینہ تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے. اندازہ نہ جنت دا تسی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے. اللہ رب العالمین فرما دینے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا خوشخبریوں نہ لوگاں واسطے جڑے ایمان لے آئے. اللہ اکبر سرگودے دے علاقے دے رہن والے ہو گل ذہن اندر رکھو اللہ اکبر ایمان ضروری ہے. بندہ عمل چنگے کردہ رہے تے بندے دے پلے ایمان کوئی نہ ہوے عمل احد پہاڑ جڈا کر لے انہوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. ایمان سب تو پہلے ضروری ہے. اللہ اکبر بندہ کوئی بھی نیکی دا کم کردہ ہے کوئی بھی نیک عمل کردہ ہے اللہ اکبر اس بندے دا عقیدہ اگر ٹھیک نہیں وہ دے اعمال انہوں کوئی فائدہ نہیں پہنچان گے. اور گل ذہن نشین کر لو میری پوری گفتگو دے وچوں اے جڑیاں دو تین گلاں میں دسن لگا انہوں ضرور جی یاد کر کے لے جایا جے. اللہ اکبر اللہ دی بارگاہ دے اندر اتنی دیر تک کوئی بندے کسی دا بھی جناب عمل کوئی قبول نہیں کیتا جاندہ
जिन्नी देर तक उस अमल करने वाले दे अंदर कम अज कम मोटिया मोटिया चार खूबियां ना पाइया जांदियां होवन। एक बंदे दे अंदर जेड़ा बंदा नेक अमल करदा है अल्लाह वास्ते, हजरात मोहतरम उनके अंदर मोटिया मोटिया चार खूबियां होनिया चाहीदियां ने। पहले नंबर से अकीदा तौहीद होना चाहिए है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला हो बंदा, अल्लाह की वहदानियत ते इत्माद यकीन होना चाहिए बंदे नू। ते जेड़े बंदे दा अकीदा तौहीद नहीं, वह हज करे नमाज पढ़े रोजे रखे, कोई फायदा नहीं होएगा उस बंदे नू दे अमाल दा। अल्लाह अकबर जान दे हो जेड़ा अबू जहल इन्हें बैतुल्ला दे 56 हज किए हुए सन, ते जेड़े दूरों लोग आते सन बैतुल्ला दा तवाफ करन, इन लोगों नू सत्तू कोल कोल के पे आंदा, हाजियां दी खिदमत करया करदा सी। यार कितना बड़ा अमल है हजे बैतुल्ला अदा करना, और आने वाले हाजियां नू गर्मी दे मौसम सत्तू कोल के पियाना, कितना बड़ा अमल है। अल्लाह अकबर, मगर अकीदा ठीक नहीं, अल्लाह ताला ने अल्लाह अकबर जहन्नम दा ईंधन बनाया। अकीदा ठीक ना हो 56 हजा भी कम नहीं आईया बंदे दे, नेकियां कम नहीं आंदियां। दूसरे नंबर ते हजरात मोहतरम बंदे दे दिल अंदर इखलास ना होना जरूरी है, रियाकार बंदे दी नेकी अल्लाह कबूल नहीं करदा। बंदे दे दिल च रियाकारी होए ते फिर शहीद दी शहादत भी राएगा जांदी है, खतीब दी खताबत भी राएगा जांदी है, सखी दी सखावत भी काम नहीं आंदी। अल्लाह अकबर, दिल अंदर इखलास होना चाहिए है, दिल दे अंदर अल्लाह ताला दी रजा होनी चाहिए है, ते अल्लाह दी रजा दी खातर बंदा जदों खर्च करे ना, फिर अल्लाह ताला थोड़े नूं ही बहुता बना दिया कर देने। अल्लाह अकबर। और तीसरी शरत, जेड़ा भी अमल करना है वह अमल मेरे नबी दे तरीके दे मुताबक होना चाहिए है, अगर अमल मेरे नबी दी सुन्नत दी मुखालफत करदिया कीता है तो अमल वह भी कबूल नहीं किया जाएगा। अमल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर ही कबूल होंदा है जेड़ा मेरे नबी दे तरीके दे मुताबक किया जाए, वगरना अल्लाह ताला कोई अमल कबूल नहीं जे कर दे। लोग कहते हैं लो जी मौलवी जी किया तो असी नेकी का काम ही है, पढ़िया तो असी कुरान ही है, कबूल का दे लई होएगा, इहदा सवाब का दे लई लभेगा। भाई सवाब नहीं लभना, क्योंकि नेकी होंदी ही ओ है जेड़ी मेरे नबी ने करके विखाई होए, जेड़ी मेरे नबी ने नेकी कीती नहीं ओ नेकी नेकी नहीं। वो कितों नेकी आ गई जिहड़ी नबी पाक ने नहीं की। ईमानदारी नाल दसो असर दे फर्ज किन्ने पढ़े सन, तुसा जिन्ना पढ़े ने वो तो दसो यार। चार पढ़े सी ना मगरब दे, किन्ने पढ़े जे ते भी चार पढ़ लेने सन, सजदे बहुते सन, कुरान बहुता पढ़िया जाना सी, क्याम बहुता होना सी, ते आपां चार पढ़ लेंदे सादे। जे बंदे नूं मेरे वर्गे नूं पुछ लो उन्हें कहना नहीं भाई तीन नहीं पढ़ने ने, क्यों अल्लाह दे नबी तीन पढ़े ने। ओ भाई फर्ज नमाज एडे वे अजर वाला काम इतने तो नहीं आता भी मैं चार पढ़ लेना नेकी का काम ही है, जे चार पढ़ोगे तो तीन भी होने नहीं होने, क्योंकि नबी पाक का तरीका ही नहीं। अल्लाह दे नबी का तरीका जरूरी है। अल्लाह अकबर, अमल अल्लाह ही कबूल करते ने जेड़ा नबी पाक के तरीके के मुताबिक होए। अगे रह के चला चौथे नंबर से, चौथी सिफत अमल करने वाले दे विच ए होनी चाहिए, यार वेखो ना 15-15 16-16 घंटे का तवील रोजा रखने, सारा दिन भुखा प्यासा रहने, अल्लाह अकबर ते मोहतरम सदका करने, नमाजा पढ़ने, कुरान पढ़ने, वेख्या जे अपने माल कि बर्बाद ही ना कर लिया, जे इन्हों नेकियां का फायदा ही कोई ना हो फायदा फिर भुखिया रहन का। अल्लाह अकबर। चौथे नंबर से, बंदा रिज़्क़े हलाल खाण वाला होवे, हराम खोर दी भी अल्लाह कोई नेकी कबूल नहीं करता। जिहड़ा बंदा हराम खाता है ना उहदे भी अमाल बर्बाद, जे जिहड़ा बंदा एक लुकमा हराम दा खा लै अल्लाह ताला 40 दिन तक उस बंदे की कोई इबादत कबूल ही नहीं करता। लिहाजा अल्लाह दे अल्लाह दे बंदे हो बच जाओ हराम तो, हराम ना खाया करो, हराम खाने नाल तेरिया नमाजा तबाह हो जाएगियाँ, तेरिया हजा जाया हो जाएगियाँ, तेरे तो रोजे जाया हो जाएंगे। नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, तो हलाल भी खाना है। अल्लाह अकबर। हलाल खावे बंदा तो रिज़्क़े हलाल विचों अल्लाह दे रस्ते खर्च करे, अल्लाह रंग बड़ा लाते ने। हदीसे पा के चाहता है कोई बंदा इखलासे नीयत दे नाल रिज़्के हलाल दे विचों एक खजूर अल्लाह दे रस्ते च सदका करदा है, अल्लाह ताला नूं एडा चंगा लगदा है। अल्लाह अपने सज्जे हथ, अल्लाह दे सज्जे हथ ने, दोनों ही हथ अल्लाह दे सज्जे ने,
कि साढ़े मामलात ने ना खब्बे आदियां जरूरत सानू ने। अल्लाह के दोनों ही हाथ सजे ने। अल्लाह ताला अपने हाथ के अंदर वो खजूर नू पकड़ लेंदे ने, अल्लाह उन्हूं पालन लग जाते ने, जिवें असी अपने जानवर का बच्चा पालने। अल्लाह जनाबा रिज़्क़े हलाल खाण वाले इखलासे नीयत नाल खर्च करने वाले दी खजूर नू पालन लग जाते ने। इतना पालते ने अल्लाह कि उस खजूर नू अल्लाह उहद पहाड़ जिड्डा बना देंदे ने। उहद पहाड़ जिड्डा मदीना तैयबा के अंदर 13 किलोमीटर का लंबा चौड़ा पहाड़ है उहद पहाड़। अल्लाह एक खजूर नू इतना बड़ा बना देंदे ने। रिज़्क़े हलाल विचों खर्च किया होया सदका, रिज़्क़े हलाल विचों इखलासे नीयत नाल जिहड़ा बंदा अल्लाह अकबर सदका करे, मेरे भाई ए चार खूबियां अपने च पैदा कर, फिर तेरी खजूर उहद पहाड़ जिड्डा अजर लै जाएगी। वगरना कोई फायदा नहीं होएगा। उहद पहाड़ जिन्ना सोना खर्च कर दे फायदा नहीं होना, जे चार खूबियां तेरे च ना होइयां तां। अल्लाह फरमाते ने वबशिरिल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, खुशखबरी उन्हां वास्ते जिहड़े ईमान लैके आए ते अमले साले करदे ने, अच्छे अमाल करदे ने। ईमान पुख्ता बना लै, फिर ईमान किंजदा बनाना चाहिए है। ऐसा नहीं कि रमज़ान के महीने अंदर नमाजा की पाबंदी, कुरान की तिलावत, सदका खैरात, जो रमज़ान गुजरिया तो पता लगा ये तो कोई बारिश हुई सी मुसलमाना की, रमज़ान च नमाजा मस्जिदा नमाजिया भर गई सन। नमाज जनाब रमज़ान जो ही गया नमाजी भी कोई ना रह गए। रमज़ान गुजर गया मस्जिदा ताले ही लगे रह गए। रमज़ान गुजर गया कुरान पढ़ने वाला बंदा ही कोई नहीं। रमज़ान गुजर गया नमाज पढ़ने वाला हाफ़ जी कल ही बैठे ने मस्जिद अंदर। ओए नहीं मेरे भाइयो, ओए फसली मुसलमान नहीं बनना, असली मुसलमान बनना है, पक्का मुसलमान बनना है। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामो, इंजदा ईमान लियाना है ओदे ते इस्तकामत इख्तियार करनी है। अल्लाहु अकबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफा, अल्लाह ताला फरमांदे ईमान वालिया इस्लाम अंदर पूरा दा पूरा दाखिल हो जा। एक महीने दा मुसलमान ना बन, 12 महीनों दा मुसलमान बन, एक घंटे दा मुसलमान ना बन, 24 घंटों दा मुसलमान बन, पक्का मुसलमान बन जा। ईमान इंज दा ओए निक्की निक्की गल ते ईमान दे सौदे कर लेंदे जे, ते छोटियां छोटियां गल्लां ते डोल जांदे जे। नबी पाक दे सहाबा ऐसे ईमान वाले। अल्लाहु अकबर। दाते मोहतरम बिलाल दियां जमैशां वेख लै, मेरे खुबैब दियां जमैशां वेख लै, खबाब दियां जमैशां वेख लै, मेरे नबी दी सहाबी आप दियां जमैशां वेख लै। डोल जाना निक्कियां निक्कियां गल्लां ते, घबरा ना जाया कर, परेशान ना हो जाया कर। इस्तकामत वाला ईमान लियाना है। इस्तकामत वाला तेरे जिस्म नूं कट दिता जाए, तेनूं ज़िबा कर दिता जाए, अल्लाह दी तौहीद नलगद्दारी ना करे। अल्लाह अकबर। ईमान इंज दा लिया बिलाल जमीन ते लिटाया होया, सीने ते भारी पत्थर रखे होया है, सहरावे जनाबर थले रेत गर्म जड़ी मेरे बिलाल की कमर जुलसांदी पई है। अल्लाह दिया बंदे ओए तू गम अंदर होए ते तेरियां अखां दे विचों आंसू बरसदे ने, मेरे बिलाल दा जिस्म सारा ही जख्मी है ते एक एक जख्म दे विचों खून दे आंसू निकलदे पए ने। अल्लाह अकबर। गर्म रेत ते लिटाया होया ते भारी पत्थर मेरे बिलाल दे सीने ते रखिया होया है, ते दुश्मन हत्थां तलवारां लै के सिर ते खलोते होए टकियां वास्ते ईमान दा सौदा कर देना है। दुकान तू गाक मोड़ ना जान, नमाज छड़ देना है। मेरे बिलाल दे ईमान ते गौर कर, ते मुशरिकी ने मक्का सिर ते तलवारां लै के खड़े ने। बिलाल हुण दस तेरा की ईमान है। बिलाल दस ना, मनात नूं मन्ना कि नहीं मनदा, लात नूं मन्ना कि नहीं मनदा। चल बिलाल इंज कर, अल्लाह नूं भी मन्नी जा, लात नूं भी मन्नी जा, मनात नूं भी मन्नी जा, मेरे हुबल नूं भी अपना इलाह मन लै। बिलाल दे सामने तलवार लटकदी पई है, बिलाल जमीन ते लेटिया ते पत्थर सीने ते। ऐसी कैफियत दे बावजूद भी मेरा बिलाल कहिंदा है अल्लाहु अहद। ईमान इस चीज़ का नाम है। इनू ईमान कहिंदे ने। सानू तो कुरबानी देनी नहीं पई ईमान वास्ते। असी की कीता ईमान वास्ते? असी तो जद्दी पुश्ती मुसलमान सी, जम्मे मुसलमाना दे घर, ते साडे वास्ते रोकथाम ही कोई नहीं। और इस ईमान की वजह करके इंज दे दुनिया तो गुजर गए ने। उन्हां दे सामने उन्हां दे बच्चियां नूं खौल दे तेल च जला के कोला बना दिता गया सी।
अल्लाह अकबर ते मोहतरम ईमान पुख्ता बनाना है। पहले नंबर ते ईमान ले आना है ते फिर ईमान इस्तकामत वाला ले आना है। बिलाल वर्गा ईमान रज़ी अल्लाह तआला, अगर मेरे बिलाल वर्गा ईमान ले आएगा फिर अल्लाह ताला तेनु रंग इंज ला छड़नगे। अल्लाह अकबर हबशों आई शान तक ले, हबशों आई शान तक ले, डोलिया नहीं ईमान तक ले, काबे उते अजान तक ले, आका पुछ दे जन्नत दे अंदर टुरदा कौन ए होर पिया, टुरदा ए जमीन उते जन्नत दे विच शोर पिया, टुरदा ओ जमीन उते जन्नत दे विच शोर पिया, काले रंग विच जमाल तके आए। उस गोरे नू की करना है जिदे सीने च ईमान ही ना होवे, उस गोरे का की फायदा। भाई कालियां च भी बड़ा अल्लाह ने हुसन रखिया है, जे दिल सोना होवे तां ऐ बिलाल वेख जन्नत दियां हूरां तरसदियां मेरे बिलाल नू। काले रंग विच बिल काले रंग विच जमाल तके आए, हबशा दा इक लाल तके आए, काला रंग ते हबशे दे रहण वाला कीता प्यार बिलाल ने, दिल लाके कलमा छड़ दे बिलाल नू कहण काफर, पत्थर मार दे तलियां चकिल लाके कलमा नहीं छड़ना ए बिलाल क्या, ओ तुसी वेख लो अपना तिल लाके असा रंग बिलाल दा वंड छड़िया, हर सोहने मुखड़े ते तिल लाके, काले रंग विच जमाल तके आए, हबशा दा इक लाल तके आए, जिसने सोना बिलाल तके आए, आका पुछ दे जन्नत दे अंदर टुरदा कौन ए होर पिया, टुरदा ए ओ जमीन उते जन्नत दे विच शोर पिया। वा बशीरिल लज़ीन आमनू, इंज दा ईमान ले आना जन्नत तेरे वास्ते अल्लाह ने बनाई है। वा आमिलुस सालिहात, फिर अमल करके वखाने ने, और दोनों चीज़ा लाजिम मलज़ूम ने। ईमान बंदे कोल होवे ते अमल बोरा भी बंदे दे पले ना होवे फिर भी कोई फायदा नहीं, अमल भी जरूरी है, अमल भी जरूरी है। अल्लाह ने जिथे भी गल ईमान दी कीती है अक्सरियत नाल नाल अल्लाह ने साले अमल दी भी गल कीती है। ईमान ले आना है ते फिर अमल भी कमाना है। अल्लाहु अकबर। अमल दी गल तुहानू मेरे दसां, मेरे मुसलमान भाइयो नमाज़ा ना छड़िया करो, रोजियां की पाबंदी करिया करो, क़याम सियाम दा तमाम करिया कर, मां बाप की इज्जत करिया कर, भैन भाइयों नाल चंगा सलूक करिया कर, अमल भी चंगे बना ले, अपना अखलाक भी चंगा बना ले, अपना किरदार भी चंगा बना ले। किड्डी अजीब जी गल है, बंदा कलमा पढ़े लोगों को कहे मैं मुसलमान हाँ, मैं अहले ईमान विचों, मैं ईमान वाला बंदा वा, तो इज्जत किसे दी ना छड़े, गैरत किसे दी ना छड़े, नमाज एक ना पढ़े तो लोगों का माल लुट के खा जाए, तो बंदे की कहेंगे भी ईमान वाले इंज दे होंदे ने। अमल भी जरूरी है ना, किरदार भी उंज का होना चाहिए, किरदार भी अहले ईमान वाला होवे ना। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम तवज्जो करिया जे, गौर करिया जे, इको ही हदीस मैं तुहानू सुनाण लगा। जन्नत चाहिए ना जन्नत, मेहनत कर रहे जन्नत मिलेगी, मगर कैसे ईमान ले आण नाल अमल कमाण नाल जन्नत लभेगी। अमल वास्ते एक हदीस मैं तुहानू सुना देना, और यह जड़ी हदीस मैं तुहानू सुनाण लगा मेरे उलमा तशरीफ फरमा ने, शेख याकूब साहब हफिज़हुल्लाह, भाई आबद साहब तशरीफ फरमा ने, उलमा है। हज़रात मोहतरम गल सुनिया जे प्यार नाल मुहब्बत नाल, यह जड़ी हदीस मैं तुहानू सुनाण लगा वा, जड़ा बंदा कीदा तौहीद वाला है और पांच वक्त की नमाज पढ़ता है, इस हदीसे पाक ते अमल कमाल है। मैं अल्लाह दे घर च बह के नबी पाक दी हदीस दे मुताबिक ऐलान कहना, बगैर हिसाब तू बंदा अल्लाह दी जन्नत दा मेहमान बन जाएगा। नमाज पढ़े, अकीदा तौहीद अपनावे, ते ऐ हदीसे अमल कमाल है, बगैर हिसाबों जन्नत ते चला जाएगा। हदीसे पाक चंद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्कातुल मुकरमा तो हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर गए, ते मेरे नबी ने मदीने च पहला वाद फरमाया, पहला खिताब फरमाया, रियासत मदीना दी बुनियाद रखदे आया मेरे नबी पहला खिताब कीता, या अय्युहन्नास
अफशु सलाम वातुई मुताम वसीलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैली वन्ना सुनियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। फरमाया मेरी उम्मत दे लोगो चार कम्मा दा तुहानू मैं हुक्म देना वा, है चार कम करया करो तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुसी सलामती नाल जन्नत दाखिल हो जाओगे। सलामती नाल उलमा बैठे ने, सलामती नाल जन्नत दाखिल होने तो मुराद पता है कि ये मेरे मुसलमान भाइयों अजाबे कबर तू बचा लै जाओगे, हशर दियाँ सख्तियाँ तू बचा लै जाओगे, पुल सराहत दे औखे लम्हात तू बचा लै जाओगे। अल्लाहु अकबर, बल्कि तुसी उन्हां लोगों च शामिल हो जाओगे सरगोदे वाले हो जिन्हां दे बारे अल्लाह का कुरान कहिंदा है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिन्हां नूं कोई खौफ भी नहीं होएगा ते कोई गम परेशानी नहीं होएगी, उन्हां लोगों शामिल हो जाओगे। कम चार करने ने मेरे नबी ने दसे है, आका फरमाते ने अफशु सलाम, सलाम नू आम कर छड़ो, एक दूजे नू सलाम बुलाया करो, जिनू जानते हो ओनू भी सलाम बुलाओ, जिनू नहीं जानते ओनू भी सलाम बुलाओ, गोरे नू भी सलाम बुलाना है, काले नू भी सलाम बुलाना है, आला नू भी सलाम बुलाना है, अदना नू भी सलाम बुलाना है, अमीर नू भी बुलाना है ते गरीब नू भी बुलाना है, ओए दुकान वाले नू भी सलाम बुलाया कर, फ्रूट दी रेहड़ी वाले नू भी सलाम बुलाया कर, कोठी वाले नू भी सलाम बुलाया कर, ते झोपड़ी वाले नू भी सलाम बुलाया कर, गड्डी वाले नू भी सलाम बुलाया कर, ते साइकिल वाले नू भी सलाम बुलाया कर। सलाम नू आम कर छड्डो, जिहड़ा बंदा किसे नू आ कहिंदा ना अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह उस बंदे नू 10 नेकियां ता करदे ने, जिहड़ा कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अल्लाह ताला उस बंदे नू 3 नेकियां ता करदे ने। और सही मुस्लिम हदीस है, जिहड़ा बंदा किसे नू सलाम बुलाए अल्लाह उनू सदके दा सवाब भी अता करदे ने। और हदीस सुनावा ईमान ताज़ा हो जाए, नबी पाक फरमांदे ने जदों दो मुसलमान आपस विच मुसाफा करदे ने, हथां नाल हथ मिला के मुहब्बत दे करावे पांदे ने, अस्सलामु अलैकुम अल्लाह दी रज़ा वास्ते मुसलमान नाल मुसाफा कीता है, ते इन्हां दोनों दे हथ बाद अंदर जुदा होंदे ने, अल्लाह इन्हां दे गुनाह पहला माफ कर देंदे ने। एडा वड्डा अमल है सलाम बुलाने वाला, असीं बुलांदे घर जाओ तो अपनियां बीवियां नूं भी सलाम बुलाया करो। मैं एक जगह बयान कर रहा सी, वह माशाल्लाह ओड़ सन, तो मैं क्या जी घर जाओ तो सवाणियां नूं भी सलाम कहिंदा, बंदा उठ के कहिंदा वाह चंगे कम्मे ला चलाउण, बुढ़िया नूं भी सलाम आखिए, तो बुढ़ी नूं लांतां पाणियां उहनूं सलाम नहीं बैग बुला सकदा तू, वह तेरी बीवी है, तेरे बच्चों की माँ है, तेरी खिदमत गुजार, उहनूं तेरी दुआ की कोई जरूरत नहीं। आंदा लो जी चंगे कम मौलवी ला, बुढ़ी नूं भी सलाम कहो, लो जी। ओ भाई नबी पाक इस्लाम जो अपने घर जाते अपनिया बीविया के कोल जाते आप फरमाया करते सन अस्सलाम वालेकुम या अहलल बैत, ए मेरे घर वाले तुहाडे ते सलामती होए, तुसी अपनिया बीविया नू सलामत नहीं चाहते। लगता भी जान छड़ाना चाह रहा है। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, नेक बीवी दुनिया का बेहतरीन मता है, दुनिया का बेहतरीन खजाना है, अपनिया बीवियां वास्ते दुआ करया करो। अल्लाहु अकबर, सलाम आम कर छोड़ो, अल्लाह ताला तुहाडे ते राज़ी हो जाएंगे, एक दूजे नूं सलाम बुलाया करो। दूसरे नंबर ते आका फरमाते ने वातमी मुताम, एक दूसरे नूं खाना खिलाया करो, एक दूजे नूं अपने दस्तरखान ते बुलाया करो। अल्लाहु अकबर, एक दूजे दा रब पेट पालिया करो, भुखियां नूं रोटी खवा, अल्लाह तेरे ते बड़े राजी हो जाएंगे, वाला बड़ा राजी हो जाता है। ओए खाना खिलाया कर अपने दस्तरखान ते, ओए होर किसे नू नहीं, चल अपने पराई बुला लिया कर अफतारी दे वेले, कदी सहरी दे वेले अपनियां भैणां अपने भाइयों नू बुला लिया कर, खाना खिला दे अल्लाह बड़े तेरे ते राजी हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, ओए खाना खिलाना भुखियां नू, मेहमान नवाजियां करना, ये तो है इस्लाम का बेहतरीन वसफ, ये तो इस्लाम की जब अल्लाहु अकबर इस्लाम का इम्तियाजी मसला है। अहले इस्लाम जड़े ने अहले ईमान ते मेहमान नवाज होंदे ने, मेहमान नवाजियां करया कर, खाना खिलाया कर। अज साढ़े दरवाजे ते कोई आके सवाल कर छड़े ते असीं ताने मार के भजा देने आ, गल्लां सुनाने आ, साढ़े ते एडे बंदे अजीब हो गए ने, साढ़े वह बेगाने ते बेगाने रह गए, जिहड़ा मापियां सारी जिंदगी पालिया पोसिया मेहनत कीतियां वह भुखे बैठे ने, ते आप अंदर वड़ के खाई जा रहे। बात ही मुताम, एक दूसरे नू खाना खिलाया करो, जन्नत चाहिए तो खाना खिलाओ एक दूसरे नू। सहाबा आप भुखे रह लेंदे सन, मेहमानों नू खाना खिलाते सन। मेरे नबी दी साहबियात अपने बच्चे लोरियां दे के भुखियां सवा देंदियां सन, पर मेहमान नू भुखियां नहीं सी घरों जान देंदियां, साढ़े घर साढ़े अपने आ जाण ते जनाब साढ़े ओ भुखे टुर जांदे।
मेहमान नवाज बन जो अगे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने वसीलुल अरहाम सिला रहमी करया करो एक दूजे नाल सिला रहमियां करने वाले बन जाओ अल्लाहु अकबर मोहब्बतां वंडन वाले बन जाओ अकीदत रखने वाले बन जाओ रिश्तेदारियां जोड़न वाले बनो ना रिश्तेदारियां तोड़िया ना करो लड़ाइया झगड़े ना पैदा करो रिश्तेदारियां जोड़निया ने बल्कि रिश्तेदारियां तोड़निया नहीं याद रख जिहड़ा बंदा कते रहमी करदा जिहड़ा बंदा रिश्तेदारियां तोड़ देंदा निक्की निक्की गल ते वट बन्ने की लड़ाई ते भरावां दे कतलां दे मनसूबे बना दे निक्कियां निक्कियां गल्लां ते सारी सारी जिंदगी अपने भरा दे जनाब अल्लाहु अकबर सामने नहीं जांदे भरा नाल सलाम लैणा गवारा नहीं करदे मैं एडे एडे जालम वेखे ने अपनी औलाद नूं कहिंदे ने मर गया मेरा भरा असां जनाजे च वी नहीं जाणा जे असीं मैं मर जावां ते मेरी मैयत नूं हाथ ना लाण दे अज अल्लाह दे बंदिया की प्या करना है नमाजा पढ़ना है रोजे रखना है ते सिला रहमी करदा ही कोई नहीं रिश्तेदारियां जोड़दा ही कोई याद रख मेरे नबी फरमाते ने जुमेरात ते सोमवार वाले दिन अल्लाह की बारगाह च लोगों के अमाल पेश किए जाते हैं अल्लाह हर बंदे की नेकी कबूल करता है पर उस बंदे की अल्लाह कोई नेकी कबूल नहीं करता जिहड़ा बंदा कते रहमी करन वाला लड़ाइया झगड़े पैदा करता है फसाद बर्पा करता है रिश्तेदारियां तो निकी निकी गल ते रिश्तेदारी तोड़ दिंदा अज तो बाद असी सानू क्यों रिश्तेदारी का तू तोड़ी मैं गया तो उन्होंने सानू रोटी चंगी नहीं खवाई बेड़ा ही गर्क हो गया तेरा और रोटी वास्ते लड़ गया तू चार टुकड़िया वास्ते भरा छड़ दिता तू भैन दे घर नहीं जाता भी उहदे कोल अच्छा खाना नहीं तेनू खिलाया जाता एडे एडे मज़ालम वेखे ने ईद आले दिन सक्की भैन दे सिर ते हथ रखण नू तैयार नहीं ने कोलों लंघ जाणगे ते भैणां दे सिर ते प्यार नहीं देणगे अपने भरावां नू ईद आले दिन भरा घर आ गया मिलण नू धक्के मार के कढ दिंदा है कोई फायदा नहीं होया तेनू तेरे रोज़ियां दा अल्लाह ताला कते रहमी करने वाले दे किसे अमल नू कबूल नहीं फरमांदे अल्लाह आंदे ने रद्दी वाली टोकरी छुट्टो ते जिहड़ा बंदा दूसरे मुसलमान दे बारे दिल च बुगद रखदा कोड़ रखदा उहदी भी अल्लाह नेकी कबूल नहीं करदा वेख्या जे अमाल तसला नारण हामिया तुस्का मिनाइन ना इंज ना होवे भी कमरा झुक जाण नेकियां कर करके ते अल्लाह दी अदालत च लभी कुछ ना अमाल ना बर्बाद करो अपने कते रहमी नहीं करनी बल्कि सुलह करया करो सिला रहमी करने वाले बन जाओ मुहब्बत करने वाले एक दूजे का एहसास करने वाले बन जाओ अकीदत रखने वाले बन जाओ हदीस पाक चंद है नबी पाक अली सलाह तो यार रमज़ान का महीना है पता नहीं अगले साल साड़ी से यह रमज़ान का महीना तो हर साल ही क्यामत तक आंदा रहना हर साल यदि गरंटी कोई नहीं भी अगले साल साड़ी जिंदगी आना कि नहीं आना पिछले साल इस मस्जिद तुहानू कई बंदे नज़र आए होने ने आज नहीं आ रहे अगले साल साढ़े विचों भी कई नज़र नहीं आने इस रमज़ान में इंज गुजार भी जिंदगी का आखिरी महीना है इंज का गुजार भी तेरे वास्ते जरिया निजात बन जाए रमज़ान का महीना लड़ाइया ही नहीं हो पाया छड़दा सुलह ही नहीं हो पाया करदा निक्की निक्की गल दियां लड़ाइया ने तजराब कते रहमी तो उतरिया कोई फायदा नहीं होना जे नेकियां बर्बाद हो जाणियां जे तुहाडियां अल्लाह का ना जे रमज़ान का महीना है सुलह कर लो जिन्हां नाल ज़्यादती कीती है माफ़ी मांग लो जिन्हां तुहाडे नाल कीती है दरगुजर कर जो माफ़ कर छड़ो अल्लाह ताला फरमांदे वल काज़िमीन अल ग़ैज़ वल आफ़ीना निन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन अल्लाह ताला फरमांदे ने मेरे प्यारे बंदे गुस्से नूं पी जांदे ने और माफ़ कर देण वाले दरगुजर कर जाण वाले ने साडा मसला ही होर है निक्की जी गल होई ना एवें किसी ने आके कहता मौलाना तुहाडे बारे फलाने बंदे बड़ियां गल्लां कीतो मैं इंज कर देंगा मैनू जानदा नहीं उन्हें कीती भी ना होवे पावां असीं उहदी धी भैण इक कर देणी इत्थे उन्हें कीती तहकीक भी नहीं करनी इन जा अकुम फासिकुम बिना बाइन फाता भैया नूं जदों कोई तुहानूं खबर दे उहदी तहकीक भी कर लिया करो असी एडे जज्बाती लोग हां बस सुनी गल ते पै गए फिर जनाब मार देना बंदा छड्डना नहीं पता है ही कोई नहीं ऐसे मुश्तहिल हो जाने मिनटों के अंदर अगले बंदे का कसूर भी नहीं बंदा मारन तो बाद पता लगा भी इन्हें तेज काम किया ही नहीं सी कारी अब्दुल रज़ाक ताहिर साहब हफीज़ुल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते ने असी जामिया अज़ीज़ी जामिया मुहम्मदिया उकाड़े पढ़ते सी ते मौलाना मोहीउद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी खिदमत कर रहा सी ते एक बच्चा दौड़ के आया तो कह लगा उस्ताद जी फलाना जिहड़ा बंदा है ना उन्हें तुहानूं बड़िया गालां दित्तियां जे बड़िया गालां दित्तियां ने तो उस्ताद जी ना उठ के बह गए लेटे हुए सन उठ के बह के ना तो हसन लग पाया मुस्कुराने लग पाया कहते उस्ताद जी उन्हें गालां दित्तियां तुसीं मुस्कुरा रहे हो कहते कि प्यारी गल है उन्हें दित्तियां तो मैं लईयां ही कोई नहीं
उन्हें दितियां ने बड़िया मैनू तो मैं कोई नहीं लिया। मैं क्या भाई तू आदियाँ कोल ही रख, चलो जी रोड़ा मुक गया जी। तो जे कहते अच्छा जाओ मुंडे फड़ो तो लियाओ घसीट के पता लगे मैनू गाला दितियां ने, अगे मैं लिया ही कोई नहीं, उन्हें दितियां मैं लिया ही कोई। और साढ़े असलाफ की सीरत न कभी पढ़ के वेखो अपने असलाफ की। मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह अमरसरी अमरसरी नारे मार दे, उन्हां दी सीरत पढ़ी जे। वाज कर रहे ने बाजार दे विच अल्लाह दी तौहीद सुना रहे, नबी पाक दी खत्मे नबूवत बयान कर रहे। एक बंदा आया उन्हें मारी कोई चीज़ आप दे सर ते, सर जख्मी हो गया, केस चल गया, बंदा जेले टुर गया। पता लगा भी उस बंदे का पीछे कोई कमाण वाला नहीं, बच्चे वे छोटे छोटे ने, जिनी देर जेल च रहा उन्हें घर का खर्चा मौलाना देंदे रहे। जिनी देर वो बंदा जेल च रहा है ना उन्हें घर उन्हें बच्चों का राशन पानी सारा कुछ वही देंदे। जो वापस आया ना छुट के तो बीवी ने पूछता किवें हालात चले, अपना तो है ही कोई नहीं, मैं तो क्या मेरे बच्चे ही भुखे मर गए होने। कह लगी जालमा जिन्हों मारिया ही ना, जिसे सिर जिदा फाड़िया ही, नबी पाक की खत्मे नबूवत बयान करने वाले उस तौहीद परस का सिर फाड़िया ही, वह सानू रोजाना आके साडे घर की खैर खबर लेंदा सी ते राशन भी पहुँचाता सी। वह बंदा दौड़ के फौरन मौलना दे कोल आया, पैरों च डिग पिया, अल्लाह वास्ते मैनू माफ़ कर दे। जज्बा इस तरह का पैदा कर। अल्लाह अकबर अज़ाते मोहतरम वसीलुल अरहाम सिला रहमियां करिया कर। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा हक ते होण दे बावजूद, हक ते होण दे बावजूद अल्लाह अकबर ताकत भी रखता बदला लैण दी, फिर भी माफ़ कर देंदा, चल तुर गुजर कर जांदा, जा वीरिया मैं अल्लाह वास्ते तैनू माफ़ कीता। हुजूर फरमाते ने ऐसे बंदे नू जन्नत दे अंदर बेहतरीन महल दी जमानत मैं मुहम्मद आप देना वा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर गुजर करया करो। वसीलुल अरहाम चौथे नंबर ते फरमाया वसल्लु बिललैली वन्नासु नियाम, अद्धी रात नू कयाम करया करो, नमाज़े तहज्जुद पढ़िया करो। जदों नमाज़े तहज्जुद पढ़ोगे कयाम करोगे अल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह दे बंदिया नमाज़े तहज्जुद पढ़िया कर, नमाज़े तहज्जुद मोमन बंदे दा हथियार है, नमाज़े तहज्जुद मोमन बंदे दी मेराज है। उठिया कर दीरा दुनिया के चौधरियां के डेरिया ते जाके तरले पाना है, लोगों के पैर फड़ना है, तो रब के दर ते आंदा ही नहीं हो, अल्लाह के दर ते आया कर, अपने रब न आके मनाया कर, जो मंगना ही रब को मंग लै। अल्लाह ताला वादा मार मार के रोजाना कहते आ जा बंग मेरे बंदे मेरे को कर लै सवाल तेनू की चाहिए है, मगर असी उठते ही कोई नहीं, आते ही कोई नहीं, वह जन्नत चाहिए। वसल्लू बिललैली वन्ना सुनियाम फरमाया उठिया करो अद्धी रात को, नमाज़े तहज्जुद पढ़िया करो। अल्लाह अकबर मेरी बहना अगर मेरी गल सुनती पी है नमाज़े तहज्जुद पढ़िया कर, मेरे भाईओ नमाज़े तहज्जुद पढ़िया करो। याद रखो घरां दे दुख तकलीफां ते परेशानियां तू नहीं जान चाहते हो, फिर घर च नमाज़े तहज्जुद पढ़िया करो। नबी पाक फरमाते ने अल्लाह सुनिया जेड़े मियाँ बीवी रात अपना आराम तरक करके नमाज़े तहज्जुद पढ़न। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हुज़ूर ने उन्होंने दुआ दी है, आका फरमाते ने राही मल्ला अल्लाह सुनिया इस जोड़े नू रहमतां नाल नवाज दे, बरकतां नाल नवाज दे, जेड़े नमाज़े तहज्जुद पढ़दे ने अद्धी रात नू उठ के। अल्लाह अकबर ए चार कम करने नी, सलाम नू आम कर दे, भुखियां नू खाना खिलाया कर, सिला रहमियां करिया कर, रिश्तेदारियां जोड़िया कर, ते अद्धी रात नू नमाज़े तहज्जुद पढ़िया कर। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तू सलामती नाल जन्नत दाखिल हो जाएगा। वबशिरिल लजीना आमनू वामिलु सालिहात, खुशखबरी उन्हां वास्ते जेड़े ईमान ले आए फिर अमल चंगे कीते, उन्हां वास्ते अल्लाह ने जन्नत बनाई है। केड़ी जन्नत? विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फुहारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, उथे रहमतां दे चलदे फुहारे होणगे। पुजी होई मच्छी दी मेहमानी होएगी, हमेशा रहण वाली बई जवानी होएगी। जैके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। खांदे वन ते सवन उत्थे फल होणगे, सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे। कसूरी वाले लगे उत्थे गारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। आखिरी जुमला पढ़न लगा वा बड़ा प्यारा,
ये जुमला तुहानू आइंदा साल तक याद रहना, एडा वड्डा जी जुमला, एडा प्यार आला वदन आला जुमला जी। इमाम दादा हो जाना हुण जुमला तुहाडा सुन के, कैसा समा यारो पुरबहार होवेगा, कैसा समा यारो पुरबहार होवेगा, जदों अल्लाह पाक दा दीदार होवेगा, जदों अल्लाह, ईमानदारी नाल दसो सीने ठंड पई है कि नहीं, जदों अल्लाह पाक दा दीदार होवेगा, ते मेरी ख्वाहिश है मेरी दुआए विच जन्नतां दे तकदे ए सारे होणगे, विच जन्नतां दे तकदे ए सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, वबशिरिल लदीना आमनू वामिरुस सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहती हल अनहार। खुशखबरी उन्हां वास्ते जिहड़े ईमान ले आए ते अमल चंगे कीते, अल्लाह ने उन्हां वास्ते जन्नत तैयार कीती है, ओ जिहदे थले अल्लाह दुध शहद दीआं नहरां चला दित्तीआं। अल्लाह को दुआ है जो सुनया सुनाया अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर